अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। तो गाइस का टाइम हो गया है, मैं बस जाग ही रही थी, रात सोई नहीं हूँ। तो दो दिन से मैं सहरी के लिए हो रही थी लेट, से मैंने सोचा मैं सोऊंगी नहीं, और मैं साइड आज जो अपनी क्लासेस अटेंड करती रही। सो सहरी का टाइम हो गया है, सो अब मैं जाती हूँ सहरी में, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ से स्टार्ट। वेलकम टू माई चैनल सुफिया काशिफ वर्ल्ड। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन भी साथ में प्रेस करना मत भूलिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बार बोलते हैं हम आपको, क्योंकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाते हैं। सो गाइस, बच्चा पार्टी है, ये सो रही है दोनों, कभी कभी ये उठ जाते हैं सहरी के टाइम पर, लेकिन एक अपने को सुला भी देते हैं। तो गाइस मैं जाती हूँ, देखती हूँ मैं सहरी में मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइस मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी कि मैं सहरी में क्या करने वाली हूँ। लेट्स गो एंड ईट द सहरी। तो भाई दो दिन से जो है सहरी सही से कर नहीं रही थी, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पराठा मंगा दिया और मैंने कबाब फ्राई करके खा लिए। अच्छा, तो गाइस अब सीन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और बहुत मज़ेदार सहरी की। आज मैंने 5 दिन बाद एक अच्छी सहरी की। सो बस अब सहरी कर ली है, अब मैंने वज़ू कर लिया था, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़नी है। सो आज से मैंने सोचा है कि इस व्लॉग को जो है मैं एक अच्छी बात करके और अच्छी बात सिखा के एंड किया करूँगी। अब इस पूरे रमज़ान में आपको एक अच्छी बात डेली सिखाऊंगी। सो अब मैं जो हूँ बस जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद मैं सो जाऊँगी और मैं आप लोगों से अब सुबह मिलूँगी। तो बाय बाय, सुबह मिलती हूँ आपसे मैं सोकर उठ के। सुबह क्या दोपहर ही हो रही होगी, तो मैं उस वक्त उठूँगी और फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी। 2000 years later थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और गाइस गैस नहीं आ रही थी, तो बच्चों को नाश्ता कराने में भी देर हो गई। तो मैंने बच्चों को नाश्ता कराने के बाद अब मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज की इफ्तारी में क्या क्या होता है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। देर हो जाती है जल्दी, अक्सर तो देर ही हो जाती है इफ्तार बनाने में और सहरी हो जाने में। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो अभी मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। खाने के लिए गाइस मैंने ये बनाए हैं, इसको कहते हैं मुर्ग छोले। सो ये मैंने बना के रख लिया। अब इसमें मैं जो हूँ रोज़े की वजह से नमक और मिर्चें टेस्ट नहीं कर पाई, सो अब ये मैं इफ्तार के बाद टेस्ट करके फिर इनकी जो कमी बेशी होगी वो मैं इफ्तार के बाद पूरी करूँगी। सो गाइस अभी मैंने इसको तैयार करके रख दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने चना चाट तैयार कर लिया है। कैसी लग रही है आप सबको? अब इसके बाद मैं और क्या तैयार करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रूट चाट भी तैयार हो गया। आज मैंने सादी फ्रूट चाट बनाई है, अब कल मैंने क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाई थी, आज मैंने सिंपल बनाई है। सो इसको अब मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से, इसके अंदर से सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। चाट भी रेडी हो गई, चना चाट भी रेडी हो गई, अब मैं दही बड़े बनाती हूँ। तो भाई यहाँ पे दही बड़े भी तैयार हो गए थे और ये दही बड़े की फाइनल लुक है। आप सब बताएं कैसी लग रही है आप सबको देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार भी, छठी अफ्तार भी कंप्लीट हो गई और अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मज़ेदार। और वैसे अब टेस्ट तो कर नहीं सकता रोज़े की वजह से, बट ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है बना बना के इसमें कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की डलेगी। सो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं अब से हर व्लॉग को, जो भी व्लॉग मैं बनाऊंगी उसको जो है एक अच्छी बात सिखा के और एक अच्छी बात आप लोगों से करके जो है एंड करूँगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ काम शाम करके, फिर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। सो चाय भी पी ली और खाना भी खा लिया और सब कुछ हो गया। सो अब एक अच्छी बात मैं आप लोगों को आज ये सिखाना चाहती हूँ जो मैं ख़ुद भी अप्लाई करती हूँ, और वो ये है कि एक तो नमाज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है। मतलब अगर आपसे सुन्नतें नहीं पढ़ी जा सकती तो आप जो फ़र्ज़ हैं हमारे जो नमाज में होते हैं फ़र्ज़ लाजमी पढ़ें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज को छोड़ना जो है ना अलाउ नहीं है। और नमाज़ को जितने ज़्यादा तहम्मुल से और आराम से और जितना ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे ना, तो नमाज़ पढ़ने का तब आपको मज़ा आएगा। सो गाइज़ ये सब चीज़ें मैं भी अप्लाई करती हूँ
नहीं हो पाती इंसान से, कभी कभी कोई नमाज रह जाती है, तो कोशिश क्या करें सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लिया करें। तो इस एक अच्छी बात से और किसी को अच्छी बात सिखाना एक सदका जारिया भी है। तो आप लोग भी सीखें, दूसरों से सीखें, दूसरों को सिखाएं, फैलाएं, आगे फैलाएं, अच्छी बातों को फैलाया करें। तो नमाज को जितना तहम्मुल के साथ, और एक 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 बंदे से मैंने सुना था, एक मैं वीडियो देख रही थी, तो वो बंदा ये कह रहा था के जो है जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके इतने करीब आ जाते हैं जैसे आपके सामने खड़े हुए आपको देख रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए आपको देख रहे हैं। तो जिस दिन आपने फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लिया नमाज़ पढ़ते हुए, तो यकीन जाने आपकी आंखों में आंसू नहीं आए ना, तो फिर कहना मुझे। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था और बहुत रोई थी उस नमाज में, मैं बहुत रोई थी यार, लाइक मैं इतना क्राई कर रही थी, इतना ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। तो वो मैं फ़ील करके, अगर आप नमाज़ पढ़ें ना, तो आप नमाज़ देर आपके चार जो फ़र्ज़ होते हैं या दो फ़र्ज़ भी होते हैं, आपको इतने लंबे लगेंगे कि आप मतलब पढ़ते जाएंगे, आपका दिल लगा रहेगा नमाज़ में। तो ये छोटी सी एक सदका जारिया के तौर पर मैंने सोचा, आपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि मैं उनसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि मैं खुद भी करती हूं, तो खुद भी करनी चाहिए। जो चीज़ आप खुद नहीं करते वो किसी को डिलीवर ना करें। सो खुद भी करनी चाहिए और दूसरों को भी सिखानी चाहिए। सो गाइस, इस एक अच्छी बात के साथ मैं इस व्लॉग को कर रही हूं यहाँ पे एंड। सो अब जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकॉन भी प्रेस करना है, और साथ ही साथ मैं जो है जितना शेयर कर सकते हैं करें, दुआएं करें अपने लिए, दूसरों के लिए, और जितनी ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं करें दूसरों के लिए। आखिरी बात के साथ इस व्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे एंड। अब मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अगले व्लॉग में मिलते हैं, और बहुत सारी दुआएं करते रहना आप लोगों ने अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।